नमस्कार, स्वागत है आपका सतहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अब आज बात करते हैं बिहार पुलिस द्वारा इशू किए गए एक सर्कुलर की, जो कि आज बहुत चर्चा में है, न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम लोगों के बीच में भी। क्योंकि जो बिहार पुलिस के महानिदेशक हैं एसके सिंघल, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कि ये साफ लिखा गया है कि अगर कोई शख्स सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है या सड़क जाम करता है या किसी आपराधिक घटना को अंजाम देता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और सरकारी ठेका भी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा उस सर्कुलर में ये भी लिखा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर पुलिस चार्जशीट करती है तो उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो उनका आचरण प्रमाण पत्र है वो भी पुलिस खराब कर देगी। यानी कि इस तुगलकी फरमान में ये लिखा गया है कि अब अगर आप बिहार में चाहें अपने किसी भी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि विरोध प्रदर्शन आप सड़कों पर करें या सड़क जाम करें, तो उसकी अनुमति बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस आपको नहीं देती। अब इसका कारण क्या है, इस तरीके का सर्कुलर एसके सिंघल यानी कि जो डीजीपी है उन्होंने क्यों निकाला? अब आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का मामला इस समय काफी जोर शोर से उबल रहा है बिहार में। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, जो साक्षर भारत के, उनको 4 साल हो गए हैं, उनकी सैलरी नहीं मिली है। और ऐसे पेंडिंग पेमेंट्स के बीच में जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताती हूं कि जो लड़कियां ग्रेजुएशन करेंगी उन लड़कियों को ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपए मिलेंगे और जो लड़कियां 12वीं पास करेंगी उन्हें 25,000 रुपए मिलेंगे। तो आप जो लड़कियां पास आउट कर रही हैं, आप अपने महिला वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरीके के फैसले करते हैं, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का मामला बिल्कुल पेंडिंग है। तो इसको लेकर ये मामला काफी सुर्खियों में आया, और खासकर जब तेजस्वी यादव हाल में उस धरना स्थल पर पहुंच गए, उन्होंने वहां पर जाकर डीएम को फोन कर दिया और डीएम से कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आम आदमी की बात कैसे सुनेंगे। तब ये पूरा मामला जोर शोर से इसने तूल पकड़ा और अब इस तरीके का फरमान, एक बार तुगलकी फरमान एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है। यानी कि अगर आप आम भाषा में कहें तो बिहार में विरोध प्रदर्शन करना, सड़क जाम करना, वो अब आपका एक अपराध माना जाएगा, और खासकर तब जब अगर पुलिस आपकी चार्जशीट फाइल कर देती है। अब इसको लेकर जमकर राजनीति भी शुरू हुई है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव, उन्होंने जमकर हमला बोला है और एक ट्वीट में लिखा है कि नीतीश कुमार अपने फैसलों से मसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे हैं, बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डरे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी, यानी कि नौकरी भी नहीं और विरोध भी नहीं प्रकट करने देंगे। तो कुल मिलाकर जो ये पूरा जो तुगलकी फरमान है नीतीश कुमार का, इसको लेकर काफी आलोचना हो रही है। मुझे समझ में ये बात नहीं आती है कि यदि कोई व्यक्ति किस काम के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है वो देखे बगैर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए वो विरोध करेगा, तो आपने हमारे स्वतंत्रता की आज़ादी पर रोक लगा दिया। हमें किसी चीज़ के विरोध प्रदर्शन करने की कोई आज़ादी नहीं रह गई है। आप जो भी कहेंगे, जिस भी तरह से कहेंगे, जो भी आदेश पारित करेंगे, हम सब मानने के लिए मजबूर होंगे। इस आदेश का यही मतलब समझ में आ रहा है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो ये कुठाराघात है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा बिहार की जनता को। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता को नींद से जग जाना चाहिए कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। अब ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस तरीके का तुगलकी फरमान जारी किया है। अभी पिछले ही महीने जो बिहार सरकार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अधिकारी, एमएलए या एमपी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक पोस्ट लिखता है तो उसे एक साइबर क्राइम माना जाएगा। तो एक वो सर्कुलर था, और अब आज दूसरा सर्कुलर है जो कि ये कहता है कि अब आप सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। यानी कि लोकतंत्र का हनन किस तरीके से होता है, वो चीज आज बिहार सरकार ने इसका प्रमाण दिया है। ये वही बिहार है जहां की जमीन इस बात के लिए मानी जाती है, जो जयप्रकाश
के समय, जयप्रकाश नारायण के समय जो मूवमेंट शुरू हुआ था इमरजेंसी के समय, और उस समय किस तरीके से विरोध के सुर उठे थे और उसी विरोध के सुर को बुलंदी दी थी नीतीश कुमार की आवाज ने, नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़ कर उस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। आज वही नीतीश कुमार इस लोकतंत्र की ताकत को ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं और जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि क्या कारण है कि नीतीश कुमार इस तरीके के फ्रस्ट्रेटेड फैसले क्यों ले रहे हैं, इस तरीके की झुंझुनाहट नीतीश कुमार में क्यों नजर आ रही है। आपको एक उनका संबोधन हुआ था 5 जनवरी 2021 का, उसमें याद दिलाना चाहूंगी कि पर्यावरण को लेकर एक बैठक हुई थी जिसमें उसमें संबोधन में उन्होंने एक चीज कही थी कि बिहार को 2020 में डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला था इस चीज के लिए कि लॉकडाउन के समय उन्होंने कोविड के समय लोगों को राहत सामग्री समय पर पहुंचाई थी। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पर उनके सरकार की बहुत आलोचना हुई कि वो कोविड के टाइम में ठीक से लोगों की देखरेख उन्होंने नहीं की, माइग्रेंट क्राइसिस हैंडल नहीं किया, और जिसकी वजह से चुनाव में विपक्षी पार्टीज ने उसका फायदा जमकर उठाया है, यानी कि जो अपनी हार है वो उससे इस समय बौखलाए हुए हैं। इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण इस चीज का नहीं मिलेगा कि नीतीश कुमार इस समय एक कमजोर नेता के रूप में देखे जाते हैं, एक विवश नेता जो कि अपने फैसले शायद खुद से नहीं ले पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों से जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए वो इस तरीके के अनाप शनाप ऑर्डर्स दे रहे हैं, जैसे पहले इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का था और आज का जो ये फैसला सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज आलोचना नीतीश कुमार क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके की सुगबुगाहट चल रही है, आपने देखा था कि शाहनवाज हुसैन को MLC बनाया जा रहा है और बहुत कुछ इस समय संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी अपना जल्द ही मुख्यमंत्री बनाए और हो सकता है कि शाहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री के रूप में प्रकट करना चाहे। इसके अलावा जो नीतीश कुमार के पसंदीदा ऑफिसर्स थे उनको हटा दिया गया है, उनके जो मैन फ्राइडे माने जाते थे सुशील मोदी, अब वो उनके साथ नहीं है, यानी कि जिस तरीके से वो सत्ता चलाना चाहते थे वो नहीं चला पा रहे हैं। आम भाषा में अगर कहें तो इस समय नीतीश कुमार की बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो अगर नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं तो आज बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे, इस पर गौर करिएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार की सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर, लोकतांत्रिक मूल्यों पर इस तरह का करारा प्रहार कर रही है। ना तो नीतीश कुमार बिहार के राजा हैं और ना ही बिहार उनकी जागीर है, जो यहाँ वो जो चाहेंगे मनमाने पूर्ण ढंग से करेंगे। वह एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया हैं तो उनको लोकतांत्रिक बिहेव ही करना चाहिए। शैडो गवर्नमेंट बिहार अगर जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार जी के इस अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ कोर्ट भी जाएगी। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो सकता है कि बिहार में अभिव्यक्ति की आजादी को इस तरह से कुचला जाए। अब कुछ बड़े सवाल आपके सामने रखना चाह रही हूं जिस पर आपके फीडबैक का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जिस नीतीश कुमार ने इमरजेंसी के दौरान बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, प्रेस की आजादी पर वो जेल भी गए, प्रेस की आजादी पर उन्होंने मुखरता से बात की, अभिव्यक्ति की आजादी पर मुखरता से बात की, तो आज नीतीश कुमार अपने आप को एक कमजोर नेता के रूप में क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब आपको यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जुलाई 3 2015 में नीतीश कुमार का एक लेख भी आया था इंडियन एक्सप्रेस में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ आपको याद हो तो, अगर आप कोई भी वेबसाइट उठा के देखेंगे आपको वो लेख आज मिल जाएगा नीतीश कुमार का, जुलाई 3 2015 का है, जब उन्होंने इमरजेंसी के दिनों को याद किया था और उनके उस लेख में इस चीज की स्पेशली व्याख्या की गई है कि प्रेस की आजादी, विरोध प्रदर्शन, अभिव्यक्ति की आजादी और जो लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं उसका उन्होंने उल्लेख जमकर किया है। 2015 की मैं आपको बात बता रही हूं और 2015 और जो आज के नीतीश कुमार हैं उनमें कितना फर्क नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग अब आलोचना से इतना डरने लगे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो और फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद क्यों ना हो। आज अगर सोशल मीडिया पर आलोचना होती है या अगर विरोध के सुर खड़े हो जाते हैं तो एक पैटर्न ये है कि उस विरोध को दबाया जाए, उस डिसेंट को दबाया जाए
और ये जो सर्कुलर आज आया है ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अब नीतीश कुमार से मेरे कुछ डायरेक्ट सवाल हैं कि नीतीश कुमार अपने राज्य में किस तरीके की जनता चाहते हैं? क्या वो एक सजग जागरूक जनता नहीं चाहते? क्या वो ये चाहते हैं कि एक ऐसी जनता हो जो कि कठपुतली हो और सिर्फ एक गुलाम बनकर रहे? तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सजग जनता नहीं रहती, जागरूक जनता नहीं रहती, तो वो अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ेगी? और वो भी तब जब आपने हक की लड़ाई को विरोध प्रदर्शन आपने बिल्कुल बंद कर दिए गए हो। अब जो लास्ट में मैं चीज कहना चाहती हूं कि इस तरीके का फरमान, ये दूसरा फरमान है नीतीश कुमार का, तो क्या अब न्यायालय ऐसे तुगलकी फरमान का संज्ञान लेंगे? यह आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार जो अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे, धर्मनिरपेक्षता के लिए जाने जाते थे, वो आज एक बहुत ही कमजोर और विवश नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।